वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर हमारा मुर्गा मौजूद है और ये मुर्गा कुछ दिन में जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है? क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा मुर्गा नहीं है, ये हमारे मामू ने हमारे पर रखवाया था कुछ टाइम के लिए कि जो है ना, जब तक मैं सेटअप तैयार होगा मैं इनको क्या नाम है आप रख लो, फिर उसके बाद मैं रख लूँगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, देखिए हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले इसको फिल करते हैं भाई, और ना कल हम यहाँ पर पाइप लगा के ना भाई, यानी मैं और मेरा छोटा कज़न हम यहाँ पर नहाए थे और काफ़ी मज़ा आया। ठंडा ठंडा पानी आ रहा, रात को मतलब धूप होती है ना, बहुत गर्म गर्म पानी आ रहा होता है। चूचू की आवाज़ है। ओ भाई ये क्या कर रही है? वे क्या कर रही है? वे निकलो बाहर। भाई ये गप से यहाँ बैठी, मुझे पता ही नहीं है इसका। ओ देखो, चल नीचे आ, चल गंदी बच्ची, चलो नीचे आओ, चलो पुत पुत पुत, चलो 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 चलो। कब से बैठी है मुझे पता ही नहीं है। मैंने देखो चूहा वगैरह घुस गया यार, तुम भी नहीं बता रहे यार मुझे। सबसे पहले से पानी भरते हैं और जो है ना, ताकि रात परिंदे जो है पी सकें। उतरो, चलो घर जाओ, चलो ऊपर जाओ। ये पाइप लगाते हैं यहाँ पर और जो है ना ये चला कर, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं धोकर ना पानी भरना शुरू कर दिया है और ये कुछ टाइम के अंदर भर जाएगा। तो पानी हमारा भर चुका है, जल्दी से जो है ना ये नल का बंद कर देते हैं और बस हो गया भाई हमारा काम। और बाजरा भी देख लेते हैं भाई, बाजरा जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये तो भाई ये सब तो नहीं कि जो हमारे मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं बाजरा, ये ना हम रख रहे हैं आज़ाद परिंदों के लिए, और ये हमारा मुर्गा मुर्गी जो है ना ये शरारती मुर्गा मुर्गी ये खा रहे हो। क्योंकि भाई कोई एतबार नहीं है इनका, कुछ भी खाया थे भाई, कुछ भी हो सकता है। मुझे डर लग रहा है अब तो, मुझे लग रहा है कि हमारी मेहनत फालतू ना जाए। देख रहे हैं भाई, ये ना हो कि मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, मतलब करते फिर भी डाल देते हैं। अगर मुर्गा मुर्गी नहीं खा रहे हो, आज़ाद परिंदे खा रहे हो, तो उनके लिए ना ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना बाजरा बहुत है, चलो तुम पहले तुम्हें डाल दो, खा लो खा लो खा लो। ठीक है भाई, ये भी हो चुका है, इतना बाजरा बहुत है। बाकी बाजरा ना ऊपर भी डाल देते हैं अपने परिंदों को। तो यार मैं आ चुका हूँ, अब इनको भी ना बाजरा डाल देते हैं। और हमारी डायमंड जो है ना वो भी नीचे बैठी हुई है, और इसको उड़ना आ गया भाई एक को तो। लेकिन एक का जो है ना ऊपर टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो लाइफ में कभी भी उड़ नहीं सकती। लग रहा है ऐसा, थोड़ा बहुत उड़ेगी या जंपे वगैरह मार लेगी बड़ी बड़ी, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। प्रॉपर जो उड़ती है ना ये, वो नहीं उड़ सकती। वो मेरे ख्याल से जो है ना ये वाली है, आई थिंक ये वाली मुझे कोई नहीं पता, ये वाली आई थिंक सब पाँव पैर लटका हुआ है। हाँ ये वाली है, आगे वाली। तो ऐसा है मुझे लग रहा है, तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उड़ जाएगी, लेकिन चलो खैर इंशाल्लाह उड़ जाएगी भाई। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए इंसान को, है ना भाई। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भैया को वहाँ थी पसंद होते ही। हेलो कहाँ है, क्यों कहा उड़ने में लगी पड़ी हैं और नज़र नहीं आ रहा हूँ मुझे। आज जो है ना काफ़ी गोलू मोलू और यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो गया बादलों को देख के, क्या ही मस्त किस्म का मौसम हो रहा है। सुभान अल्लाह भाई, आप भी सोच रहे होंगे अरे किसी घर में बोल रहा है, मैं समझा यार उड़ रहा है, देख रहे हो मेरे बारे में मैं क्या सोचता रहता हूँ। अब इसको नीचे लेके चलते हैं, ताला चेक कर लूँ, ताला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उमेर भाई जो है ना वो एक मुर्गी लाए हैं आज, क्योंकि आज जुम्मा था, फ्राइडे था, तो इस वजह से ना हम गए थे बाज़ार और एक मुर्गी लाए हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है। ये देखें भाई, देख रहे हैं, ये आपको लग रही होगी छोटी, लेकिन भाई से कद जो है ना वो लिटरली काफ़ी बड़ा है। डरो नहीं, ठीक है। ये भाई मुर्गी लाए, ये मुर्गी और ये मुर्गा, ठीक है। वो वाली मुर्गी और ये मुर्गा जाएंगे और कुछ दिन में चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये मुर्गी है, हमारे पास ये मुर्गी है, हमारा ये पट्ठा है, यानी कि बहुत सारे परिंदे हमारे पास हैंगे। तो ये दो चले जाएंगे, कोई मसला नहीं भाई, इंशाल्लाह और आ जाएंगे। लेकिन ये ना हम बेच नहीं रहे, ये मामू को दे रहे हैं, यानी कि देखते फिरते रहेंगे हम। क्या हो गया, क्या हो गया, लड़ो नहीं यार, आप लड़ते अच्छे नहीं लगते। और प्लांट्स में आपको दिखाया था हूँ, हमारी एलोवेरा देखें, कोई भी आपको बच्चा ही नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, यानी कोई भी छोटी एलोवेरा आपको नहीं नज़र आ रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कोई भी छोटी एलोवेरा निकलती है ना, मैं उसी वक्त जब उसको जड़ से निकाल देता हूँ। उससे क्या होता है कि हमारी जो बड़ी एलोवेरा है ना उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, यानी जड़ें जितनी कम होती हैं, एक ही ब्रांच जड़ें होती हैं ना, तो अच्छे से ग्रो करता है। अगर बच्चे निकलेंगे ना तो फिर यानी कि ना एक तो टेढ़ी मेढ़ी होंगे और ऊपर से ना अच्छे ग्रो भी नहीं करेगा। तो सारे बच्चे निकाल के फेंक देता हूँ, अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं फिर यूज़ में आ जाते हैं। और ये देखें भाई, ये पूरा गमला जो है ना वो खाली है और इसके अंदर कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ। वो क्यों? इसका पौधा बिल्कुल सूख गया था तो मैंने निकाल के फेंक दिया। और ये पौधा जो है ना ये आए दिन सूखता रहता है, सबसे ज़्यादा पानी पीने वाला पौधा है भाई ये। कीड़े ही हो रहे हैं, हाथ लगा रहा हूँ, कीड़े हो रहे हैं इसके अंदर, देख रहे हैं। वैसे भाई यार इस मुर्गी को मैंने यहाँ पर बिठा दिया है क्योंकि भाई मुझे सब पूछने हैं कि ये मुझसे नाराज़ क्यों है। बताओ भाई क्यों नाराज़ हो तुम मुझसे, बताओ।
ये ना भाग ही जाए भाई, ये इसको उठाने का आसान तरीका जो है ना यहाँ से होता है, ठीक है, ऐसे करके आराम से उठा लो और ना बिल्कुल आसानी से जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। तो यार ये मुझसे नाराज़ हो गई है, क्यों नाराज़ हो गई है भाई, मुझसे बात बात नहीं करती और ना मैं पास होता हूँ उसके ना जो है ना यानी कि चीखने लग जाती है और डर के भागने लग जाती है मुझसे, ये मेरे करीब नहीं आ रही और ना ही अपने आप के मेरी मुझे आने दे रही है, यानी कि मुझसे नाराज़ हो गई है, मेरी दोस्त नहीं रही, अभी मेरी दुश्मन बन रही है और ना ये मुझसे रिवेंज लेना चाह रही है भाई, बने या नहीं, क्या कर दिया मैंने, मैंने लाइक किसी भैंस लेके भागा हूँ, पता नहीं दाना खा लिया मैंने, दाना पानी पी लिया, पता नहीं क्यों यार मुझसे नाराज़ हो गई है यार, ये भाई मैं सबसे अच्छी लगती है लेकिन ये मुझसे ऐसे करेगी तो यार मैं दिल टूट जाएगा यार, देख रहे हो भाई उदास कर दिया यार मेरे को उस मुर्गी ने, मजाक कर रहा हूँ दिल पे ही लेना है ना, सीरियस समझ लो यार, मजाक कर रहा हूँ प्रैंक कर रहा हूँ, ठीक है भाई आप मुझे सच्ची मुझसे नाराज़ हो गई ये बात नहीं है लेकिन हो जाएगी भाई ठीक। और ये हमारी जो मुर्गी है ना, मैं जिसको समझता था भाई अच्छी मुर्गी नहीं है, वो मेरे भाई ने मुझे बताया कि सबसे अच्छी मुर्गी हमारे भाई यही है, इसका ना एक दफ़ा आप स्ट्रक्चर देखें माशाल्लाह कितनी बॉडी बिल्डर लग रही है, इधर कोई जैद खड़ा हुआ है, जैद जैद को जानते हो पाकिस्तान का नंबर वर्ल्ड नंबर वन बॉडी बिल्डर है, वो खड़ा हुआ है, यानी कि बहुत कमाल की बॉडी है भाई इसकी। और मैं समझता था भाई सबसे क्या नाम है ना, यानी कि हमारे पास सबसे नॉर्मल मुर्गी है ना वो ये है, लेकिन मेरे को क्या समझा पता कि क्या नाम है सबसे अच्छी मुर्गी हमारे भाई ये है, लेकिन मुझे इतनी खैर नॉलेज है नहीं, लेकिन उमेर भाई ने मुझे बताया, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, मिले कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब जो है ना मेरा हाल ना उस स्टूडेंट की तरह है जो कि स्कूल के लिए जिस दिन उठता है और उस दिन स्कूल छुट्टी होती है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है भाई, नॉलेज मुझे खास है नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मुझे क्या हुआ था भाई इतनी अच्छी मुर्गी होगी,